Hey guys and welcome back to my channel. If you're new to the channel, hi, my name is Ashika Khanna and I'd be really happy if you take a moment to subscribe to my channel. Blue. I just came back from Yamna's reception, TK's sister, and this was what I was wearing. Please ignore the mess in the background. It's because it's 12:31 and I have almost packed my stuff, but अभी जो मैं रेडी होने से पहले कूड़ा मचा के गई हूँ वो मुझे ठीक करना है एंड आई ऑल्सो हैव टू पैक अ फ्यू मोर थिंग्स सो इसलिए कूड़ा अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने एंड आई विल सी यू गाइस एट द एयरपोर्ट. गुड मॉर्निंग गाइस, जैसे कि मैंने बोला मैं एयरपोर्ट पर मिलूंगी. सो वी अभी जो एयरपोर्ट चेक इन हो चुका है, इमिग्रेशन हो चुकी है. सो वी आर गोइंग टू बैंकॉक, नॉट अ लीजर ट्रिप, इट्स अ वर्क ट्रिप एंड वहाँ से आई एम गोइंग समवेयर एल्स अगेन फॉर वर्क. सो वन डे का ट्रैवल एंड वन डे का वर्क है. 45-50 मिनट से बोर्डिंग शुरू होगी क्योंकि मेरी 7:45 की फ्लाइट है. सो एज़ यूजुअल अर्ली बर्ड हूँ मैं, बट एयरपोर्ट पर ऑलरेडी बहुत कम भीड़ थी एंड अभी हमारे पास जितना टाइम है जीटी से शॉपिंग बिल्कुल नहीं सोई, तो होपफुली मुझे फ्लाइट नहीं लग गया. तो अब मैं आपको मिलूंगी लैंड करने के बाद. बाय. सो आई हैव लैंडेड इन बैंकॉक एंड 4 घंटे की फिर फ्लाइट थी. मुझे नहीं पता मैं सोई हुई या क्या कर रही हूँ, बट फ्लाइट तो मैं होश में नहीं थी. मतलब बार बार लुढ़क रही थी बट साउंड स्लीप नहीं मिली है मुझे अब तक. बट बहुत कच्ची पक्की नहीं हुई, जैसे आप समझ रहे होते हो आपको कैसे कंफर्टेबल हो रहा है, वैसे मुड़ के मुझे बहुत नींद आ रही है, भूख भी लग गई है क्योंकि मैंने मील नहीं खाया फ्लाइट में. जब आए मैंने बोला प्लीज़ नहीं कुछ मुझे उठाओ मत, आ जाएंगे, वी हैव अ पिकअप एंड देन वी चेक इन, लेट्स गो. दो लोगों का थोड़ा कैजुअल पिकअप है, एक सेकेंड कैमरा साफ करना. तो दो लोग के लिए इतनी बड़ी वैन काफ़ी नीडेड सी. एनी वे वी हैव रीच्ड, वी आर गोइंग टू द होटल. अब हम बैठेंगे अंदर. बताओ पूरी बस, हे भगवान, यार गर्मी है यार वैसे, बट नॉट मोर देन दिल्ली बॉम्बे देख लिया तो ये तो नॉर्मल लग रहा है वैसे. ओके गाइस, आई हैव रीच्ड माय रूम एंड बिफोर आई ऑर्डर एनीथिंग आपको रूम दिखाना है. दिस इज अ स्वीट इन मैरियट बॉनवॉय एंड हियर्स अ रूम टूर. देन यू हैव चाय टेबल, यू हैव अ मिरर, अ फुल मिरर, देन यू हैव अ टीवी. व्हाट इज दिस? आई डोंट नो व्हाट इज दिस. इज दिस अ कनेक्टिंग रूम? दैट्स स्कैरी. एनीवे वी हैव अ टीवी. And then we have a sitting area. Then we go inside. And then we have the room with very cutie teddy boys here. The room and the best part. Ta-ta-da-da. The washroom. I'm gonna take a long, long bath here. They have like a separate shower area. And that, it's a huge bathroom. They have a bathtub with a mirror. Another mirror. Best for makeup, this lights and all, beautiful. Then here's the toilet area and here's also the entry of the main door. So we close this because we don't need two entries. मैंने lock किया और घंटी बज गई. मेरे bag आ गए, मेरे bag आ गए. Hello. Which one is belongs? Guys, मैंने order कर लिया pizza. वैसे मुझे लगता है मैं नहाने चली जाऊँ पहले, but मैं पहले खाना चाहती हूँ तो मैंने ऑर्डर कर दिया. तब तक मेरी फिटिंग्स के लिए भी आ जाएंगे, 5:30 आना है उन्होंने, साथ साथ ही फिटिंग हो जाएंगी. एंड जब सब कुछ हो जाएगा आई वांट टू टेक अ नैप बिकॉज़ आई हैवंट स्लेप्ट प्रॉपर्ली. माय ऑर्डर इज हियर. आई एम फॉरएवर अ पिज्जा लवर एंड अब मैं देखूंगी, कुछ देखते देखते खाऊंगी. ओके गाइस, द टीम इज हियर फॉर फिटिंग्स बट दे हैव नॉट कम टू माय रूम, दे हैव गॉन टू निशी'स रूम हु हैज कम विद मी टू दिस ट्रिप. लेट्स गो गेट आवर फिटिंग्स डन एंड देन आई एम थिंकिंग आई विल टेक अ नाइस बाथ एंड देन स्लीप. वाओ, आई एम जस्ट हैप्पी बाय थिंकिंग अबाउट दिस. गो गुड. After fittings, my bath is ready and I'm going to take a bath and then lie down and take a nap hopefully. Bye bye. Good morning guys, not good morning, after my little one hour nap I'm up and अभी मैं थोड़ा बैंक वाला काम कर रही हूँ. मुझे रोटी पिया नहीं और ठंडा पिज्जा कौन कौन खाता है, हैंड्स अप. डिनर करूँगी, कल का सामान देखूंगी क्या करना है, कल मेरा मॉर्निंग कॉल टाइम है.
मैं मेकअप वेकअप उतार के सोई थी, बट मेरा मस्कारा फैल गया। मैं डिनर करके गुड नाइट, इसलिए आज मैं कहीं बाहर भी नहीं गई, वरना मैं बाहर पक्का 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 जाती, वरना मैं हिम्मत ही नहीं थी बिना सोए। काउंट ऑपरेट। गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड द सन इज शाइनिंग। सो आर वी बोलने वाली थी, बट आई एम नॉट शाइनिंग, आई एम जस्ट लुकिंग लाइक अ बीमार पर्सन, बट टच व्हाट, आई एम गोइंग डाउन फॉर ब्रेकफास्ट। इट्स अ वेरी, मतलब अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो आपको पता है कि ये काफी रेयर ओकेजन है जब मैं एक्चुअली होटल्स में ब्रेकफास्ट करने जाती हूँ। देर रेयर, बट वेन देर आर सच मोमेंट्स आई लव इट, आई रियली एंजॉय। आई डोंट नो इफ आई मेंशन इट ऑलरेडी, बट आई एम हियर विद ओपो, आई एम शूटिंग विद ओपो, पेंट बॉल थीम्ड शूट, तो पेंट बॉल ग्राउंड ही होने वाला है, बट इट्स लाइक अ बिट फार फ्रॉम हियर, सो वी आर गोना गो देर। एंड फॉर नाउ आई एम जस्ट वेयरिंग लाइक प्लेन shorts and a t-shirt, because there I have to wear like a full paintball suit in this garmi. All the best to me. Hamari choti si vanity yahan pe bhi styling chal rahi hai. This is a small chota sa room, yahan pe mujhe fatafat makeup kar lena, and yahan pe AC bhi hai thankfully, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा आउटडोर शूट है, प्लस पूरा सूट वूट पहनना है मुझे। आई हैव माई बैग राइट हियर, कि मैं अपना मेकअप खुद करना चाहती थी, मैंने बोला था हेयर के लिए आई विल जस्ट आस्क देम, क्योंकि मेरे को हेयर करने कुछ आता नहीं है, आपको बताइए। माई मेकअप क्विट, ये जो रख दिया ना, खत्म है काम इनका, खत्म। लेट्स गेट रेडी। मेरा मेकअप अभी मैं बेक ऑन ही रहने देना चाहती हूँ, बाद बहुत गर्मी है एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। हेयर के साथ मैंने पहले बोला था मुझे हेल्प चाहिए था, जो यहाँ की आई टी में उन्हीं से मैं हेयर करा रही हूँ, वे डूइंग ब्रेड्स। ये मेरे कैमरा में आ रहा है नहीं है कलर कुछ भी रखना, अच्छा लगता लाइनर नहीं, फिर एक बार पूरा हो गया सेट, फिर नहीं इतनी जल्दी किया ना मेरे बाप। Should we like open them a bit? Everything. What is ice thai tea? Thai tea is like that orange thing. This is, I give you both, Milo and the iced tea. Okay. Thank you. सब डन है, बस मस्कारा और लाइनर शायद रहते, लाइनर आई एम नॉट श्योर। एंड अभी हमने मैंने मंगाया, दिस इज आई थिंक ये माइलो है और ये थाई टी है। मुझे टेस्ट करनी थी कि कैसी होती है, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट में भी देखा था वहाँ पे थी, बट मैंने टेस्ट नहीं की थी, सो लेट्स टेस्ट। ये तो माइलो है चॉकलेट वाला, बहुत ही मीठा बट अच्छा है, बट एक से ज़्यादा पी सकती, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मुझे याद नहीं आ रहा किसके ऐसा टेस्ट है, बट कुछ तो फेमिलियर टेस्ट है। मैं वही सोच रही थी कि मैं फुल सूट है खुश हूँ कि दुखी, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरीके से कवर्ड भी है बट इट्स गोना बी वेरी हॉट। हेलमेट नीड्स टू बी ऑन एट ऑल टाइम्स इन द वीडियो, बिकॉज़ यू आर इन अ पेंटबॉल सिनेरियो। बहुत टेस्टी तरह लगती है ना, मैंने कभी खेला नहीं है पेंट। वी ट्राइड फॉर योर सेफ्टी, वी ट्राइड, आई गॉट सम पेलेट्स हिट ऑन मी। बेस्ट ऑफ लक। डिड यू अप्लाई सनस्क्रीन? यस, एंड इट डजंट हेल्प इन थाईलैंड। सब डरा के रे, सब डरा के पहले चले जाते हैं। रियली थोड़ा शीशा गंदा है और ये मेरे सर पे थोड़ा नेट लगा हुआ है कि हेलमेट आना, बट हेलमेट के बारे में कूल लुक है, पिंक नहीं ब्लू लगेंगे बैंड शायद। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं बेल्ट बुल्ट आनी है सब कुछ, बस वो गर्मी में बेहोश होने वाला। वी हैव रीच द सेट एंड पूरा ब्लैक जो है ना मेरा कपड़ा, वो मुझे बहुत कंसर्निंग दे रहा है, क्योंकि चलते चलते ही मेरे जल गई है बॉडी अंदर जैसा लग रहा है, तो पूरे टाइम करते करते। पेंट बॉल मैंने कभी खेला नहीं है, तो मैं थोड़ा स्कैट भी हूँ, एंड मेरे सर पर नेट पर मैं थोड़ी फनी लग रही होंगी, बट जो भी, तो मैंने कभी खेला नहीं, तो मुझे डर लग रहा है कहीं लगभग नहीं आ जाए। मुझे ना ये जो थे ना, ये स्क्रीन वाला देखने में बड़ा मजा आता है, तो हमेशा अगर मैं इधर आग बैठ जाऊँ तो स्क्रीन में बड़ा बड़ा देख पाऊँ कि क्या शूट हो रहा है, क्योंकि वेट वॉट यू सी फ्रॉम योर आईज इज सो डिफरेंट दैन वॉट द कैमरा सीज, यू नो, सो इट्स
इट्स वेरी फैसिनेटिंग दैट वे बहुत मजा आता है देखने में आई जस्ट टेकिंग अ फ्यू ट्रायल शॉट्स एंड उसके बाद वी स्टार्ट शूटिंग सो लेट्स गो फैसिनेटिंग गो कैमरा एंड 1 2 3 एक्शन हमने एक शॉट लिया और उसमें मेरा पूरा सूट गीला हो चुका है पीछे पूरी बैक पसीने से भर चुकी है और मैं पंखा खा रही थोड़ा सा और पानी पी रही हूँ फीलिंग मैम और हेलमेट टेढ़ा हो जा रहा है अरे बिना हेलमेट के तो कितना क्यूट होता ना मेरी ब्रेड्स भी बड़ा अच्छी लग रही है गो Or two pellets. Oh, will it burn? अब बच गए हैं दो almost. It's been I think 3 hours since we started shooting. And क्योंकि retakes phone का short है ना तो retakes रहने में वो इसलिए problem हो जाती है वरना तो छोटा सा ही shoot था but वो phone दिखना चाहिए ऐसे हमेशा छोटे branding होती है उसमें. Now I'm going to back to the vanity. मुझे बहुत गर्मी लग रही है पूरा सूट गीला हो चुका है यही वाली थी ना मेकअप इतना भी समझ नहीं हुआ एक्सेप्ट लाइनर जो कि मैंने लगाया नॉट बैड इज व्हाट आई वाज वेयरिंग पूरे अंडरनीथ आई वाज वेयरिंग दिस सीमलेस शॉर्ट्स जो मैं यूजुअली साइक्लिंग शॉर्ट्स के जैसे पहनती हूँ एंड अ स्पोर्ट्स ब्रा और ये दोनों आर ड्रेंच इन स्वेट लीजी का भाई पर थोड़ा अलग दिखने वाला मेरे नूडल्स भी आ चुके हैं वो मैं अपने अकॉर्डिंग स्पाइस डालती हूँ बट वो बना के दे दिए क्यूटी पाइस है वो उन्होंने बना के दे दिया तो कोई बात नहीं मैं मिर्ची वाला थोड़े से खा लूंगी और ये वाला लीची फ्रूट ट्राई करना इसको क्या कहते थे फिर से बोलोगी रामबुटान 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 यस रामबुटान किसने जगह आपको ये लीची है बट ड्राई लीची हमारी लीची जैसे होती है जूस भरा होता है टपक रही होती है यहाँ यहाँ तक जूस टपक जाता है अंदर चला ड्राई लीची कोकोनट की गरी खा रही हूँ गिरी और अंदर से बादाम है यहाँ बादाम नहीं रहा इंटरेस्टिंग It's a backup. And I've changed. I need to wear my t-shirt इसके ऊपर but I've changed. ये धूप तो अभी भी है ही उसमें थोड़ा vanity की उसमें ही खड़ी होती हूँ एंड आई थिंक इट टुक मतलब 11 बजे हमने रोल करना स्टार्ट कर दिया था एंड अभी 5 o'clock हो चुका ऑलमोस्ट एंड वी हैव पैक्ड अप एंड आई हैव टू से दिस ऑल्दो 5-6 घंटे लगे बट दिस वॉज अ वेरी वेरी एफिशियंट शूट गाइज द टीम एवरी वन वॉज सो स्वीट लाइक थोड़ा सा लगा मुझे तब भी मुझसे सब पूछ रहे थे आर यू ओके कितने से लगी थी तब भी पूछ रहा था एवरीथिंग वेंट स्मूथली इट वॉज वेरी स्वीट वेरी वेल ऑर्गेनाइज गुड थम्स अप बट यस नाउ अब हम सोच रहे हैं कि हम आसपास कहीं शॉपिंग वॉपिंग चले जाएँ कितना टाइम अभी बाकी बचा हुआ दिन वी हैव सो देखते हैं एंड देन वील गो बैक टू आर होटल वैसे दिन सबको लगता है ना दिल्ली और मुंबई का ट्रैफिक बेकार है वो प्लीज़ बैंकॉक का ट्रैफिक देख रहे हैं एक बार मतलब हमें 40-45 मिनट दूर था जगह जो वहाँ पहुँचने में 1.5 घंटे से ज़्यादा लग गया बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड ये मॉल हम पहुँच गए यहाँ पे कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से तो ये देखना अभी नीचे वाले फ्लोर पे हम ये यहाँ पे ऐसे सब कुछ सेल्स वेल का लगा हुआ है और छुटपुट छुटपुट है वैसे मॉल बड़ा है देखो दिखाती हूँ ऐसे ऊपर तक है चीज़ें पर कुछ सर लेने वाला दिख नहीं रहा मुझे मुझे भूख लग रही है तो हाँ आगे भी डोसे खा रही हूँ मैं और डाइट को दिन की 2-2 हो रही हैं बट दैट्स लाइफ यार यहाँ की ब्यूटी प्रोडक्ट्स और सो क्यूटी पाए देखना पैकेजिंग सबकी क्योंकि पैकेजिंग में देखो मन नहीं करता सब ले लो ये ब्लश है सो क्यूट क्यूट और ये मैं भी मैंने सिर्फ ये चीज़ उठाई क्योंकि मेरे को खुला कराने थे पैसे क्योंकि मैंने कैश आउट कराए बताती हूँ अभी सब कुछ गाइस रेट्स पावरपफ गर्ल्स के ब्लशेस ओह माय गॉड तो सब कुछ इतना क्यूट क्यूट थैंक यू ओके सो अब मैं होटल आई मैंने सामान पटका है अब मैं जा रही हूँ फुट मसाज कराने आई डिजर्व दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग डे आई डिजर्व इट और होटल से वॉकिंग ही है नीचे ओनली फुट मसाज आई वांट सो लेट्स गो मसाज इज डन गाइस आई एम बैक टू द होटल आई एम वेरी स्लीपी आई एम वेरी टायर्ड
So, अब हम करते हैं व्लॉग खत्म। ये मैं अफसोस वीडियो लाइव जाने के बाद ही व्लॉग लाइव जाएगा, थोड़ा लेट जाएगा इसका मतलब। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग बिकॉज यहाँ से आई एम गोइंग समवेयर एल्स। जो आपको नेक्स्ट व्लॉग अच्छा लगा लेकिन अब तक वो चल चुका होगा क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर सब डाल चुकी होंगी। बट टूडल्स टूडल्स डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 30